असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें रहमानिर रहीम प्यारे बहन भाइयों जिनके पास मुलाजमत नहीं है एक भाई आए उन्हें गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत थी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया किया लेकिन फिर भी ना मिली ये अमल किया उनकी जॉब लग गई और बहुत अच्छी और बेहतर लगी मुलाज़मत ना मिलने पे परेशान ना हो नौकरी ना मिलने पे जॉब ना मिलने पे परेशान ना हो एक और मेरे भाई आए हैं उनको बैंक की जॉब का मसला था सिर्फ़ इस नक्श बनाने से उन्हें जॉब मिल गई अच्छी पोस्ट पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ख़ास तरीक़ा आपके साथ शेयर किया जाएगा गौर से सुनिएगा क्या आप जानते हैं कि मुलाजमत क्यों नहीं मिलती नौकरी जॉब क्यों नहीं मिलती ऐसी क्या वजह है क्या ये बंदिश की वजह है या किसी जादूर सफलीलम की वजह है या नजर बद की वजह है आज इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी और बयान करूंगी करूँगी ख़लास का ख़ास तरीक़ा नबी पाक अलैहि वसल्लम की अहदीत से शुरू करते हैं आप अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने को पसंद फरमाता है प्यारे बहन भाइयों गुस्सा छोड़ दें नाराज़गियाँ छोड़ दें मोहब्बत और प्यार इख्तियार करें आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा वक्त की कोई पाबंदी नहीं दिन बुध का इतवार का पीर का मंगल का ना रखिएगा एक बार अवल् शरीफ़ नमाज़ लाजिम है एक बार अमल की तादाद को पढ़ कर देखें सिर्फ़ एक बार ठीक है जो तरीका समझाऊंगी वो करके देखें लाइव जो वीडियो है वो आठ पी एम पर आप तक पहुँच जाएगी इन शाला रोजाना लाइव वीडियो देखने के लिए समझने के लिए खुद आमिल बने मेरे प्यारे बहन भाइयों खुद के ख़ुद आमिल बने अमल सीखें मैं अमलियात आपको सिखाती हूँ तो सीखें और अपनी मदद और बहन भाइयों की मदद भी करें ठीक है सूर्य इखलास को सात मरतबा पढ़ना है सात मरतबा पढ़ना है किस पर चावलों के दाने पर चार चावलों के दाने लेने हैं बेशुमार लोगों का इख्तियार किया हुआ ये अमल आज आपको मैं समझाने लगी हूँ नक्श ये वाला बनाना है चावलों के चार दाने इस नक्श में रखने हैं आपको कितनी दौलत चाहिए कितना माल पैसा कितना रिस्क चाहिए ये आपने लिखना है नीचे ठीक है बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है ऊपर भी सात सौ छियासी लिखना है जब एक बात याद रखे एक भाई हैं हमारे वो पूछ रहे थे आप ही जान नक्श की चाल क्या है तावीज़ात की चाल होती है नक्शों की कोई चाल नहीं होती नक्श अल्लाह के कलाम के सीधे हाथ से शुरू होते हैं और लास्ट यहाँ पर ख़त्म उल्टे हाथ पर ख़त्म होते हैं इनकी कोई चाल नहीं है आप किसी तरह भी बना लें लेकिन लिखाई सीधे हाथ से शुरू करें ठीक है यहाँ से सीधे हाथ से होगी यहाँ से इधर से लिखना शुरू होगे गए यहाँ से इधर से लिखना शुरू होंगे ठीक है परेशान नहीं हो मेरे प्यारे भाई इंशाल्लाह जिस मसले के लिए भी आपने पूछा है आप उसमें भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह आपका मैसेज हमें मिल गया था जजाकला अब आपने क्या करना है चावलों के चार दानों के इस नक्श में बनाकर पर्स में रख लें बस परस में रख लें सूर्य खलास पहले पढ़नी है चावलों के चार दानों पर फिर इस नक्श में रखें फिर इसको पर्स में रख लें जब तक पर्स में चार दाने चावलों के नक्श के साथ मौजूद रहेंगे आप बेहिसाब अरबों और करोड़ों के मालिक होंगे अल्लाह की तो इससे भी बुलंद है अल्लाह पाक के तो ख़जाने भरे हुए हैं ठीक है लेकिन दूसरों से भी मोहब्बत करें मुलाजमत क्यों नहीं मिलती ऐसी क्या वजह है चले आज समझते हैं बंदिश को मुलाजमत की बंदिश कैसे लगाई जाती है जब किसी ने अपना काम या गवर्नमेंट जॉब लेनी हो या अपना कारोबार चलाना हो तो वो दूसरों पर बंदिश लगाता है ठीक है नौकरी नौकरी होने के बावजूद ख़त्म क्यों हो जाती है क्योंकि काली नज़र लग जाती है नज़रें बद लग जाती है और जॉब भी इसी वजह से ख़त्म हो जाती है तो इसका हल मैं आपको बताऊं जब भी आपको लगे कि आपको काली नज़र लगी है या आपका कारोबार या जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर सख्ती है जहाँ पर आप जॉब करें वहाँ परेशानी पर उठानी पड़ती है तरह तरह के लोगों से मतलब कि परेशानी उठानी पड़ती है तो तीन मरतबा आउज़ बिल्ला पढ़ पूरी आउज़ बिल्ला पढ़ ठीक है आप अपने ऊपर दम किया करें और आप नौकरी पे जाएं जॉब पे जाएं कोई भी आपको काली नज़र नहीं लगा सकता ये अमल आप अपने बच्चों पर भी किया करें नाफरमान बच्चे हो जाते हैं स्कूल में पढ़ते नहीं हैं काम नहीं करते उनके ऊपर भी बद लग जाती है उनके ऊपर भी यही अमल करें आउस बिल्ला तीन मरतबा पढ़ कर दम करें मुलाजमत ना मिलने पर यह वाला अमल आपने किया ये करें जब मुलाज़मत के लिए आप इंटरव्यू देने जाएं या मुलाजमत के लिए आप बात करने जाएं तो एक मरतबा घर के अंदर खड़े होकर दरवाजे के बाहरी दरवाजे से अंदर खड़े होकर सुरखलास पड़े पहला कदम बिस्मिल्लाह का डालें और आप चले जाएं ठीक है मुलाजमत फ़ौर मिल जाएगी एक लम्हा भी वो आपसे बागी नहीं होंगे आपको इनकार नहीं करेंगे उसी वक्त मुलाज़मत मिल जाएगी क्योंकि ये अमल तो आपने किया ही होगा ठीक है और आप जब सूर्य क्लास पढ़ के निकलेंगे फ़ौर आपको मुलाजमत मिलेगी नौकरी मिलेगी जॉब मिलेगी इन इतना रिस्क होगा कि आपके घर में फाका कशी ख़त्म हो जाएगी और जॉब छोटी मोटी नहीं मिलेगी बहुत बड़ी जॉब मिलेगी नौकरी बहुत बड़ी मिलेगी पर ये नक्श आप अपने पास पॉकेट में ये तब काम करेगा अमल जब ये नक्श आपने बनाया होगा ये अमलियात है आपने ये अमल किसी को नहीं बताना या समझाना उसको वीडियो सेंड करे वो ख़ुद समझे आपका काम ख़राब हो जाएगा उसका ठीक हो जाएगा आप उसको वीडियो शेयर कर कि ये वीडियो भाई है ये आप देख लो ठीक है ख़ुद समझाने ना बैठें फिर अमल ख़राब हो जाएगा अमलियात सीखने के लिए अपनी बहन से रबता कर सकते हैं इन ज़रूर मदद की जाएगी अपना ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते, चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को, को फॉलो कर सकते हैं।, हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तारा भी कर सकते हैं जजाकल और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबा करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या इंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला